हेल्दी और चटपटा खाना किसे पसंद नहीं है। और आजकल तो दिन जब थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, यानी थोड़ा टाइम बड़ा लग रहा है शाम का, तो शाम को हल्के फुल्के भूख लग जाती है। और बच्चों को तो कुछ चटपटा और उनके मन का ही खाना चाहिए होता है उस समय। तो लेकिन हम माए ना फिक्र करती है कुछ हेल्दी बनाकर दिया जाए। तो बस आज मैं भी कुछ हेल्दी और चटपटा बनाने जा रही हूँ, जो बच्चों की पसंद का भी होगा और हेल्दी भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक यूनिक रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मिनट में बन जाएगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। फिलहाल आज बच्चों की फरमाइश थी पास्ता खाना है, और वैसे मैं ना पास्ता बहुत कम देती हूँ, लेकिन फिर बच्चे जब ज्यादा डिमांड करते हैं दोनों, तो फिर बनाना तो बनता ही है ना, फिर मना भी नहीं किया जाता। फिर सोचा चलो कुछ इसमें कुछ ट्विस्ट लाया जाए, तो वही ट्विस्ट अब लाने जा रही हूँ मैं। तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। फिलहाल यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, गर्म कर लिया, उसमें नमक और एक चम्मच तेल डाल दिया था, और जैसे ही पानी उबला मैंने पास्ता यहाँ पर ऐड कर दिया करीब 250 ग्राम के लगभग। और पास्ता बनने दें। यहाँ पालक मैंने एक मुट्ठी के लगभग साफ करके रखा हुआ था पहले से, और यहाँ पर उसे धोकर अच्छी तरह से मैंने पानी गर्म किया था, और उसे ब्लांच कर ले रही हूँ यहाँ पर 2 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पास्ता भी मेरा उबल रहा है, दूसरी तरफ पालक भी ब्लांच हो रहा है। तो बहुत ही हेल्दी और यूनिक रेसिपी बन रही है, जो बच्चों को भी काफी पसंद आएगी। चटपटी है, टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो जो भी सीक्रेट टिप्स है इस रेसिपी की, मैं आप लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, बिल्कुल मत भूलना। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करना, और पहली बार आए हो चैनल पर तो बेल आइकन प्रेस कर देना, एब्सोल्युटली फ्री है। क्योंकि आप लोगों का एक प्रोत्साहन हम लोगों को ना काफी हिम्मत देता है एक नई वीडियो लाने के लिए, और एक नई वीडियो बनाने में ना काफी मेहनत लगती है। तो फिलहाल यहाँ पालक ब्लांच कर लिया था मैंने, उसे मैंने गर्म पानी से निकाल दिया था, और यहाँ ठंडे पानी से फिर धो दिया है। इससे क्या होगा, पालक का जो कलर है ना वो बना रहेगा, और कुक भी नहीं होगा पालक। तो ये देखो मैंने पालक को ना ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो दिया है, फिर और इसे रख दूंगी अब मैं साइड में, पानी अलग कर दूंगी। और आप चाहो ना तो जो पालक हमने ब्लांच किया था वो पानी ना आप पराठे वगैरह बनाओ तो उसमें यूज कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये शाम का समय था और अभी इसमें जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसे यूज नहीं किया। यहाँ पास्ता को लगभग 80% तक मैंने कुक कर लिया है। पास्ता को भी हमें 80% ही कुक करना है, एकदम पकाना नहीं है। क्योंकि अब जो भी पास्ता पकेगा ना, हमारा ग्रेवी का जो हम आगे ग्रेवी बनाएंगे ना, इसके सॉस उसके साथ पकेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ चेक कर लिया है और 80% कुक हो चुका था। मैंने यहाँ गैस बंद की और बाकी प्रिपरेशन की तैयारी कर रही हूँ। तो पास्ता बनाओ और चाइनीज वाला फ्लेवर देना हो तो लहसुन का काम तो बहुत जरूरी होता है ना। पता, लहसुन एक गांठ ले लिया मैंने साइड में रखी, फिलहाल उसे छीलना है। सबसे पहले मैंने पास्ता को गर्म पानी से अलग कर दिया है, क्योंकि अगर हम इसे गर्म पानी में छोड़ देंगे ना ये फिर ओवर कुक हो जाएगा। और ये देखो इसे छान कर अलग कर दिया ना, इसे भी मैं ठंडे पानी से धोकर ना साइड में रख दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 छोटे प्याज, यानी ज्यादा छोटे भी नहीं थे, मतलब मीडियम साइज के ही कह लीजिए, उसे काट लिया है, और एक बड़ा टमाटर काट लिया था। साथ ही यहाँ पर ना लहसुन की कलियां, यानी पूरा गांठ लहसुन का लिया है मैंने। लहसुन का ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसे बारीक बारीक ना इस तरह से मैंने काट लिया है। आप चाहो तो चॉप भी कर सकते हो, मैं इस तरह से चाकू से ही एकदम बारीक बारीक काट ले रही। आजकल नए लहसुन आ रहे हैं ना, तो थोड़ा मोटी मोटे दाने होते हैं उसके, और काटने में बहुत आसानी होती है। फिलहाल यहाँ मिक्सर का जार ले लिया है मैंने, और मैं बर्तनों को अक्सर यूज करने के पहले ना एक बार दोबारा धो लेती हूँ, ये आदत मेरी बनी हुई है। फिलहाल आप भी इससे ज्यादा मतलब सफाई रखते होंगे, और इससे ज्यादा सफाई रख सकते हैं। फिलहाल मैं तो इतनी कर लेती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। यहाँ पर प्याज के साथ ना मैंने अदरक भी छोटा टुकड़ा काट लिया था। तो प्याज और अदरक को मिक्सर जार में डाल दूंगी, साथ ही टमाटर को, और इसका ना एक प्योरे बना लेंगे हम। यानी जो आज हमारी रेसिपी का सॉस बनेगा ना वो इसी के साथ होगा। यहाँ पालक को भी मैंने पीस लिया था, ये देखो कितना अच्छा कलर आया है ना, ग्रीन ग्रीन एकदम अच्छा सा। और यहाँ प्याज टमाटर और अदरक को पीस कर रख लिया साइड में, यहाँ लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है। बस कढ़ाई अब ऑन कर रही हूँ मैं, गैस, और कढ़ाई रखेंगे और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो कढ़ाई गर्म हो गई, और हाँ, जब भी ये रेसिपी आप बनाओ, बटर में बनाओ या फिर रिफाइंड ऑयल में, तो यहाँ फिलहाल मैंने बटर डाल दिया है और बटर मेल्ट हो गया है। बटर जैसे ही मेल्ट हुआ ना, मैंने गैस का फ्लेम तो लो ही रखा और लहसुन डाल दिया। ये देखो लहसुन को ना हल्का हल्का सॉटे करना है हमें, यानी इसका कलर नहीं चेंज करना, बस इसका कच्चापन सा दूर हो जाए उतना ही हमें पकाना है। बस जैसे ही लहसुन का कच्चापन दूर हुआ ना, और यहाँ पर जो प्याज टमाटर हमने पीसा था वो ऐड कर दिया। बस अब इसे हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, साथ ही नमक भी ऐड कर दिया है यहीं पे, और इसे पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए और ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो बहुत अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए कर लेना है फ्राई इसे।
बस इसे कम से कम फ्राई करने में ना 2 से 3 मिनट का समय आपका लग जाएगा। ये देखो जब इसका मॉइस्चर सूख जाएगा ना, तो ये मसाले ऐड किए, बस थोड़े से बेसिक मसाले हैं, मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया और आधा चम्मच ना धनिया पाउडर ऐड किया, साथ ही पालक भी और ऐड कर दी है। और बस पालक की जो प्योरी ऐड की ना, मिक्सर जार में थोड़ा सा लगा हुआ था, तो हम हाउसवाइफ ना कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देती है, मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाला और उसे अच्छी तरह से मैंने धोने के बाद ना यहाँ ऐड कर दिया है। पालक वैसे पकी हुई थी लेकिन पानी ऐड किया ना, हमें पानी को थोड़ा सा सुखाना है, तो बस ढककर मैंने लो फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट उसे पका लिया और ये देखो पूरा पानी सोख हो चुका था। यहाँ पे पास्ता जो उबाले थे वो ऐड कर दिया है। बस यहाँ पर पास्ता अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और पास्ता हमारा अभी 80% कुक है। अभी से जो हमने ये बनाया है ना सॉस पालक का, इसके साथ अभी ये पकेगा। हाँ अभी रुक जाइए, अभी कुछ मसाले यहाँ बाकी हैं, तो 1 चम्मच भरकर डाला है यहाँ का सीक्रेट मसाला, यानी हमारा मैजिक मसाला, मैगी मसाला 1 चम्मच भरकर डाल दिया है। साथ ही मैंने मिक्स हर्ब्स डाल दिया था 1 चम्मच भरकर। साथ ही अब देसी जुगाड़, देखा फ्रिज में मेयोनीज खत्म हो गई थी तो देसी जुगाड़ लगाया, यहाँ पर दूध की मलाई रखी थी 1 चम्मच भरकर डाल दी। तो देसी जुगाड़ आप इस तरह से लगा सकते हैं, अगर मेयोनीज ना हो तो मलाई का इस्तेमाल कर लो। मलाई डाली और बस अच्छी तरह से मिला लिया है सभी चीजों को और ये हमारी हो गई है हेल्दी पालक पास्ता बनकर तैयार, जो देखने में भी यम्मी लग रही है और खाने में सच बताऊं ना टेस्टी तो ये बहुत बनी थी, लेकिन साथ में हेल्दी भी थी बच्चों के लिए और बच्चों को भी काफी पसंद आई। और इसमें जो लहसुन का टेस्ट आ रहा था ना, जो वो बहुत अच्छा लग रहा था। फिलहाल मैंने बच्चों की प्लेट लगाई है, गर्मा गर्म हेल्दी पालक पास्ता बनकर हो गया है तैयार। आप चाहे तो इसमें चीज भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ चीज ऐड नहीं कर रही हूँ। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।